23 दिसंबर 2001। नवादा जेल में एक और सर्द और उदास कर देने वाली सुबह थी। एक अकेला गार्ड 30 फीट ऊंचे निगरानी टावर पर बैठा था। उसने हथेलियों पर बड़ी कुशलता से खैनी तैयार की और अपने पीले दांत दिखाते हुए मसूड़ों के आसपास दबा ली। और कुछ करने को था ही नहीं। नीचे चौक में एक वार्डर जेलर के कक्ष की ओर बढ़ रहा था। उसका रोज का दायित्व सारे कैदियों को लाइन में गिनती के लिए खड़ा करना, जो था तो बहुत उबाऊ काम, लेकिन इसके अपने फायदे थे। हर रोज वह कैदियों पर तरह तरह के एहसान करता था, जिसके बदले उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। इसमें जेल के अंदर अश्लील पत्रिकाओं की अनुमति से लेकर कैदियों तक घर का बना खाना डिलीवर कराना शामिल था। हर काम का रेट अलग अलग तय था। प्रायः दरें काफी अधिक होती थीं, परंतु यदि कैदी उन्हीं के समुदाय या जात से हो तो जेल कर्मचारी कुछ मोल भाव कर लिया करते। किसी न किसी तरह जेल कर्मचारी कैदियों की विभिन्न मांगें पूरी कर देते थे। कुछ बाहुबलियों की कोठरियों में तो डेजर्ट कूलर भी लगे थे। जाहिर है कि जो वीआईपी थे उन्हें तो विशेषाधिकार प्राप्त ही था। एक मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही वे महीनों अस्पताल में भर्ती कर दिए जाते, जहां वे एसी वार्ड में हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाते। सामंत प्रताप ने अपनी बाहें फैलाई और उबासी ली। पास की पहाड़ियों से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। जेल से लगी उन पहाड़ियों पर गैर कानूनी खनन का कार्य नियमित रूप से चलता रहता। उसने जेल परिसर, उसकी बड़ी चौक और ढहती हुई दीवारों का जायजा लिया। उसे ये जगह पसंद थी, और क्यों नहीं होती भला। जेल प्रशासन उसे राजा की तरह रखता था। उसका मानना था कि यह रुतबा उसकी अपनी कमाई थी। सारे कैदी परिसर में घूमते रहते और आपस में खुलकर मिलते जुलते। कैदियों की अगली गिनती दोपहर 2 बजे होनी थी। सामंत प्रताप की आंखें सबसे खास साथी हॉर्लिक्स सम्राट को ढूंढ रही थी। हॉर्लिक्स एक छोटे कद का दुबला पतला आदमी था, जो पहली बार नवादा जेल में रहने आया था, परंतु रामगोपाल वर्मा की एक मशहूर फिल्म सत्या की तरह उसने सामंत प्रताप को बहुत प्रभावित किया था। मेरे भाई, तुम बहुत बड़ी चीजों के लिए बने हो, सामंत प्रताप कई बार बातचीत में यह कहता। लॉकअप में साथ बिताए समय ने उन दोनों मुजरिमों को एक दूसरे के बहुत निकट ला दिया। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुक ट्यूब पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपीएस अमित लोढ़ा की लिखी पुस्तक बिहार डायरीज। इसे प्रकाशित किया है पेंगुइन ने। इस पुस्तक की कीमत है 199 रुपये, जिसे आप छूट के साथ दिनकर पुस्तकालय से पा सकते हैं। दिनकर पुस्तकालय का व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसके जरिए आप संपर्क करके हिंदी की पुस्तकें काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। बिहार डायरीज अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ साथ तमाम ई कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आइए सुनते हैं इसी किताब का एक और हिस्सा। पार्सलों को छांटते हुए जेल वार्डर ने आवाज लगाई, हॉर्लिक सम्राट, तेरे घर से खाना आया है। लगता है तेरी बीवी ने स्वादिष्ट हिलसा बनाई है, ले मजा कर। और खाने का डिब्बा उसे पकड़ा दिया। हॉर्लिक्स ने घड़ी देखी, 10 बजने में 10 मिनट बचे थे। उसकी पत्नी ने समय से काम किया था। उनकी योजना के लिए समय से बढ़ना बहुत अहम था। एक चिंतित पत्नी होने के नाते शांति देवी अपने पति को जेल का अखाद्य भोजन नहीं खाने देती।
रोज वो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट बिहारी व्यंजन बनाकर अपने पति और उसके दोस्त प्रसिद्ध सामंत प्रताप के लिए देकर जाती थी। सामंत प्रताप के प्रति अपनी पत्नी का सम्मोहन हॉर्लिक्स के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शांति को हमेशा से शक्तिशाली लोग पसंद आए थे, फिर वो चाहे जिले का एसपी हो या कोई डॉन। जब भी मिलने का मौका लगता वो हॉर्लिक्स से पूछती, आपके दोस्त सामंत प्रताप को अच्छा लगा? सामान पहुंचाने के लिए जेल गार्ड को केवल थोड़ा पैसा और एक मीठी सी मुस्कान की आवश्यकता होती थी, बस। शुरुआत में गार्ड टिफिन की जांच करते थे, पर कुछ महीनों बाद ही सब कुछ सामान्य लगने लगा और उन्होंने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। किसी पत्नी को अपने पति के लिए घर का खाना पहुंचाने देने में क्या हर्ज है, उन्होंने सोचा। कभी कभार जब भाग्य अच्छा हो तो गार्ड लोगों को भी थोड़ा लिट्टी चोखा और पूरी सब्जी मिल जाती थी। हॉर्लिक्स ने अपने खाने का निरीक्षण करने के लिए वह बड़ा सा टिफिन खोला। सबसे ऊपर वाले डब्बे में बेसन के लड्डू थे। उसने सामंत प्रताप की ओर देखा और अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। सामंत प्रताप ने हॉर्लिक्स के हाथ से डब्बा लिया और जेल कर्मचारियों की ओर बढ़ा दिया। अरे सिपाही भाई लोग, आप लोग भी खाइए, ये मेरे मनपसंद लड्डू हैं, घर का बना है, उसने बड़े उत्साह से कहा। धन्यवाद सामंत भाई, हाथों में लड्डू भरते हुए गार्ड्स ने कहा। और लीजिए ना, सामंत प्रताप ने लड्डू बांटते हुए कहा। लड्डुओं को देखकर अन्य कैदियों की लार टपकने लगी, लेकिन वे सब सामंत प्रताप से सुरक्षित दूरी पर ही रहे। वह कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो नवादा का कसाई था जो कम से कम 30 लोगों की हत्या के जुर्म में उस जेल में लाया गया था। जब सामंत प्रताप ने पक्का कर लिया कि जेल स्टाफ के जो 4 कर्मी वहां मौजूद थे उन सबको लड्डू मिल चुके, तो उसने हॉर्लिक्स की ओर देखा। हॉर्लिक्स ने तुरंत दूसरा डब्बा खोला। हवा में मछली करी की सुगंध फैल गई जो शौचालय की बास के साथ मिल गई। फिर भी इससे कुछ कैदी हॉर्लिक्स की ओर मुड़कर देखने लगे, लेकिन हॉर्लिक्स को अपने मनचाही करी में फिलहाल कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि अभी उसकी आंखें कुछ और भी जायकेदार चीज खोज रही थी। उसने अगला डब्बा खोला। करारी रोटियों के बीच लिपटा हुआ उसे एक देसी कट्टा मिल गया। सामंत प्रताप ने खास तौर पर .38 रिवॉल्वर का स्वदेशी संस्करण मांगा था। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान था, किसी ऐसे के लिए भी जिसने पहले कभी गोली न चलाई हो, जैसे हॉर्लिक्स। उसका मूल रूप स्मिथ एंड विंसन .38, जो अक्सर अमेरिका में महिलाओं द्वारा आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अचानक जेल वार्डर को कनपटी में बहुत जोर का दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे सर फट जाएगा। अपने दोनों हाथों से सिर को पकड़कर वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। और एक जमादार तो और भी बुरी हालत में था। उसे खून की उल्टी हुई और यह साफ था कि वो असहनीय दर्द में था। एक के बाद एक सभी जेलकर्मी गिर पड़े, कोई भी खड़े रहने की स्थिति में नहीं बचा था। कैदियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चक्कर है, पर एक बात तो साफ थी, उन लड्डुओं में शक्कर से कहीं ज्यादा नुकसानदायक कोई पदार्थ था। सामंत प्रताप मुस्कुराया। वो संतुष्ट था कि शांति देवी ने लड्डुओं में चूहे मारने का जहर एकदम सही मात्रा में डाला था। आप सुन रहे थे अमित लोढ़ा के उपन्यास बिहार डायरीज का अंश। आप बुकट्यूब से जुड़े रहिए, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। हम आपके लिए और किताबों की जानकारियां लाते रहेंगे। नमस्कार।